4 अगस्त 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 4th अगस्त 2022 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली दो शब्दों के साथ जाती है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। बाबा संगम युग पर हमारी मान्यताओं को परिवर्तन करते हैं और ये काफी चैलेंजिंग है। इतनी सारी मान्यता है, वैसे लौकिक में बिलीफ सिस्टम या मान्यता को बहुत इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि पूरा खेल ही है मान्यताओं का। जैसा मानते हैं वैसे ही लोग चलते हैं। मान्यताओं के ऊपर या पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम के ऊपर हमने सेशन लिया है कि कैसे हमारी मान्यताएं हमको कमजोर करती है, बंधन उत्पन्न करती है। पूरा खेल मान्यताओं का है। जब तक मान्यता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। लौकिक में आपने देखा होगा हाथी जैसा विशालकाय प्राणी, अभी उसको एक सिंपल रस्सी से बांध के रखते हैं लेकिन वो हिलता नहीं अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि मान्यता है। बचपन में जब वो छोटा रहता है हाथी का बच्चा तो उसको बड़ी जंजीर से बांधते हैं। वो बहुत कोशिश करता है पैर छुड़ाने की लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। आखिर में वो हार जाता है कि ये रस्सी मेरे को फ्री नहीं कर सकता, मैं इस रस्सी से अपने आप को। उसके अंदर वो गहराई में चला जाता है, उसकी बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर जैसे वो बड़ा होने लगता है एक सादी रस्सी से उसको बांध के रखते हैं तो वो रस्सी को तो वो आराम से तोड़ सकता है, उसके जैसा पेड़ को भी उखाड़ के लेके जा सकता है, लेकिन वो ये कुछ नहीं करता क्योंकि रस्सी माना वो चेन और चेन माना वो मुक्त नहीं हो सकता। ये उसके अंदर गहराई से बैठ जाता है। ऐसे ही मनुष्य ने अपने अंदर बहुत सारी मान्यताएं ऐसे बना ली है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। नेचर में और एक उदाहरण देते, बम्बल बी। ये एक मक्खी रहती है, बहुत हेवी वेट रहती है पर उसके पंख छोटे होते हैं। अभी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके क्या देखा कि एरोडायनेमिकली दिस बी कैन नॉट फ्लाई, माना इसका वजन पंखों के हिसाब से इतना ज्यादा होता है कि वो उड़ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो उड़ती इसलिए है। साइंटिस्ट कहते कि उसको पता नहीं कि वो उड़ नहीं सकती है। तो कई बार हमको बहुत सारी बातें पता नहीं होती है इसलिए वो कार्य हम कर पाते हैं। पर ये भी क्यों है? इसके जड़ में भी मान्यता है। शास्त्रों में उदाहरण देते कि एक शेफर्ड माना भेड़ बकरियों को चराने वाला, तो वो गाय के बच्चे को बचपन से अपने कंधे पर उठाकर पहाड़ पर चला जाता था। रोज की उसकी आदत थी। अभी वो बच्चा बड़ा होते गया लेकिन इसकी आदत नहीं गई
अभी वो बड़ी गाय हो गई या सांड हो गया बड़ा, फिर भी वो उसको उठा के लेके जा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो उठा नहीं सकता है। ऐसे ही हम सब के अंदर जबरदस्त शक्तियां हैं, लेकिन अगर हमारी मान्यता कमजोर है, हमारी बिलीफ सिस्टम कमजोर है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी टाइम, मनी और एनर्जी उस बिलीफ सिस्टम में वेस्ट होता है। इसको बाबा ने अंधश्रद्धा कहा हुआ है। आज बाबा ने बहुत सारी अंधश्रद्धाओं के बारे में कहा है। पहले तो बाबा ने कहा, ये जो परंपरा से आप कहते हो, इसमें कई सारी परंपराएं आप चिंतन कर सकते हैं। समय के अभाव से जो इम्पोर्टेंट है वह मैं लूंगा कि किसी के पाँव पड़ना। यूजुअली यहाँ पर बात हो रही है कि गुरु गोसाई, जो शब्द आज मम्मा ने भी मुरली में इस्तेमाल किया, उनके पाँव पड़ते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम्हें किसी को भी पाँव पड़ने की दरकार नहीं। और बाबा ने, जब भी बाबा थे, कभी भी किसी को पाँव छूने नहीं दिया। मुझे याद आता है, हमारे आदरणीय निर्वेर भाई जी सुनाते हैं कि वो युक्ति से जाते थे, ब्रह्मा बाबा बैठे होते थे, तो उनके पैरों के पास जाकर बैठ जाते थे और धीरे से ही उनके पैर दबाने की कोशिश करते, तो बाबा अपने पैर खींच लेते थे, हाथ भी लगाने नहीं देते थे बाबा। तो उनको आश्चर्य लगता था, बाबा को कैसे पता चलता है, बाबा तो जानी जाना नार है। तो कहते थे कि मैं पाँव दबाना चाहता था, लेकिन दबाने नहीं देते थे बाबा। बाबा ने पहले भी मुरलियों में कहा है कि जितना हो सके दूसरों से सेवा नहीं लेनी चाहिए। हम देखते हैं कि कई भाई बहने दूसरों से सेवा लेते हैं। अभी आप बीमार हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपको दूसरों की सेवा की जरूरत है, लेकिन बीमार नहीं है, लेकिन आराम करने के संस्कार है, दूसरों से काम करवाते हैं। तो बाबा ने इसकी पूरी मना किया है कि दूसरों से सेवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगे, फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जब दूसरा मदद करने वाला नहीं होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मैंने देखा है मधुबन में एक दादी, अभी उनकी उम्र 90 साल हो गई, लेकिन बाबा ने ऐसे प्रिंसिपल्स उनके अंदर भरे हुए थे, तो वो नाश्ता भी तब करेंगी जब दूसरों को खिलाएगी। शायद उनका नाम भूरी दादी था। अपने कपड़े खुद धोएगी, किसी से सेवा नहीं लेगी। मुझे बहुत वंडर लगता था कि कैसे बाबा ने इनकी मान्यताओं को बदला है। डीप रूटेड है ये मान्यता। और एक दादी जिसका अभी मैं पुणे गया था, तो पुणे में देखा, ब्रज शांता दादी, अभी इतनी साकार की पालना ली हुई है, महान आत्मा है। ट्रेन में साथ में जा रहे थे पुणे से मधुबन, तो हमारे डिब्बे में थे सेकंड एसी में। अभी दादी का टिकट है वो कंफर्म नहीं हुआ था, मना आरएसी था, दो बहनें साथ में थी। तो हमने दादी को रात को रिक्वेस्ट किया कि दादी आप सो जाओ, हम एडजस्ट करते हैं, आप आराम से सो जाओ। तो दादी ने कहा, मैं क्या बूढ़ी हूँ क्या, मैं बैठ नहीं सकती, मैं रात भर बैठ के जाऊंगी। सुना नहीं दादी ने, दादी बैठ के गई। तो ये इनके अंदर बहुत डीप रूटेड संस्कार है कि दूसरों से मदद नहीं लेना जितना हो सके। जगदीश भाई का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो वो पांडव भवन में सुखधाम में ठहरे हुए थे। उस समय हम उधर थे, तो हमको बोला गया कि देखो उनको उनको कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप जाओ। तो हमने देखा वो आंखों में आई ड्रॉप डाल रहे हैं, जो कि डालना होता है ऑपरेशन के बाद में। तो मैंने कहा, भाई साहब मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं ड्रॉप डालता हूँ। तो जगदीश भाई ने मुझे कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने आँखों में आई ड्रॉप डाल सकता हूँ। आप देखो इनका स्वमान, देखो कितना तगड़ा स्वमान है कि किसी से मदद नहीं लेना है, जितना हो सके किसी से मदद नहीं लेना है, फिर अपने को तकलीफ हुआ तो भी चलेगा। तो यहाँ पे तो बाबा कह रहा है किसी के पाँव पड़ने भी नहीं देना चाहिए।
आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी में हार नहीं पहनाते हैं, पाव नहीं पहनते हैं, है ना। ये तो बाहर वाले जब प्रोग्राम में आते हैं तो हमारे भाई बहनों को हार पहनाते हैं, या साउथ में मैंने देखा है ये परंपरा है कि स्टेज वाले को बहुत बड़ा हार पहनाते हैं। मैंने इसका अनुभव किया है, वो 5-10 किलो का तो हार होगा, उस हार के वजन से ही दब जाएंगे आप। पर ये उनकी भावनाएं हैं, वो रेस्पेक्ट रिगार्ड देना चाहते हैं, उसके जड़ में कोई गलत नहीं है। उसकी जड़ में है कि हम बड़ों का आशीर्वाद चाहते हैं, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा कि इससे दूर रहना चाहिए। इवन जब ब्रह्मा बाबा ट्रेन से जाते थे तो बाबा मना करते थे कि ज़्यादा किसी को बुलाओ मत, क्योंकि भीड़ आएगी, है ना। वो बाबा को पसंद नहीं था। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अदर साइड ऑफ द कॉइन इज आप हर जगह पे जाते हो, हर वक्त लोग आपके पैर छू रहे हैं, तो आपका अहंकार बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मुझे याद आ रहा है बनारस में एक बहुत बड़ा मठ है, तो उसके जो मठाधिपति है अच्छे योगी आत्मा है, तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए मेरे साथ दो ऑस्ट्रेलिया के भाई बहने कैमरा वगैरह लेके गए। अभी वो काफी बड़े हैं, तो हमारा भाई भी लोकल जो ब्रदर है दीपेन भाई, वो भी आया था, हमको लेके गया। तो हम देख रहे थे उनके सभी फॉलोअर्स उनके पैर पड़ रहे हैं, तो दीपेन भाई ने कहा सचिन भाई हमको भी करना पड़ेगा। तो हमने कहा क्यों करना चाहिए, नहीं यहाँ की परंपरा ये बहुत बड़े हैं। तो हमने पैर तो नहीं छुए, लेकिन हम झुक के उनको नमस्कार किया। अभी ये फॉरेनर्स अपने ऑस्ट्रेलिया के इतने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने इंटरव्यू में पहला प्रश्न ही यही उनको पूछा। कैमरा लगा हुआ है, वो अपने स्थान पर विराजमान है, इतनी ठंडी में उन्होंने देखा हमने कि उन्होंने केवल एक ही कपड़ा पहना था, और वो अंदर उनके यहाँ बावड़ी थी जहाँ से उन्होंने पानी निकाला और स्नान किया हमारे सामने, और फिर कपड़े वस्त्र परिवर्तन करके वो हमारे सामने आके बैठ गए, क्योंकि इंटरव्यू था। तो पहला प्रश्न फॉरेनर ने अंग्रेजी में वही पूछा, और मैं वहाँ पे ट्रांसलेटर था, कि फॉरेनर ने पूछा कि ये सब लोग आपके पैर पड़ते थे तो आपको अहंकार नहीं आता क्या? और वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा शुरुआत में तो अहंकार आता है, फिर वो धीरे धीरे उनको भी रियलाइज होता है कि ये लोग अपना अहंकार यहाँ छोड़ने आए, मैं अपना अहंकार कहाँ लेकर जाऊँगा। फिर धीरे धीरे उससे इफेक्ट से परे हो जाते, लेकिन ये रहता है। जब बहुत सारे लोग आपके पैर पड़ रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं, तो ईगो आने का चांसेस रहता है। तो बाबा ने ये रसम ही यहाँ से निकाल दी कि यहाँ किसी के पाँव आपको पड़ना नहीं है, दृष्टि लेनी है, ठीक है ना। अभी इसमें और एक बात क्या है कि भले आप रिगार्ड रेस्पेक्ट देना चाहते हो, तो रिगार्ड रेस्पेक्ट देने के लिए पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है, आप दिल से रिगार्ड रेस्पेक्ट दे सकते हैं। उल्टा ऐसे भी हो सकता है कि आप पाँव पड़ने का नाटक कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको रिगार्ड रेस्पेक्ट नहीं है। तो रिगार्ड और रेस्पेक्ट जो भी है वो दिल से होना चाहिए। और बाबा ने तो कभी पढ़ने नहीं दिया, बाबा ने तो देखो कितनी बड़ी बात कही है, ये हमको सीखना चाहिए कि इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी और क्या कहती है कि मैं मालिकों को बाप नमस्कार करता हूँ। बाबा ने हमेशा कहा कि आप बच्चे हैं तो बालक सो मालिक है आप, तुम्हें पाँव पड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो हमको ये बाबा से निरंकारिता का गुण जरूर उठाना चाहिए, और हमारे अंदर भी ऐसी नम्रता होनी चाहिए। इतनी बड़ी अथॉरिटी, आजकल हम देखते हैं किसी को कुर्सी के ऊपर दूसरा कोई बैठ गया तो भी गुस्सा आता है। मैंने तो देखा एक जगह पे कि कुर्सी पर लिखा हुआ है कि इनकी कुर्सी है, इस कुर्सी पर दूसरा कोई नहीं बैठे, ऐसे लिखा के कागज चिपका दिया है। मुझे तो बहुत हंसने को आया। अभी कुर्सी कुर्सी होती है, लेकिन वो कुर्सी के ऊपर भी लेबल लग जाता है। बाबा इतना बड़ी अथॉरिटी हो के देखो कितना नम्र है, निरंकारी है, तो हमको बाबा के जैसा बनना है। कुर्सी में भी हमारा मोह नहीं चाहिए। कई बार कुछ बीके भाई बहने टू मच में चले जाते हैं, किसी को टच नहीं करना अच्छी बात है,
फिर अपना बर्तन वगैरह सब अलग रखते, ये भी ठीक बात है, हम समझ सकते हैं। लेकिन हम उनको कहते जब आप मधुबन जाते हो तो क्या बर्तन वगैरह सब लेके जाते हैं? वहाँ पे तो आपको बड़े भंडारे में खाना होता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, समझो अभी किसी बहन का बीपी चेक करना है तो एक भाई हाथ भी नहीं लगाता है। तो मैंने कहा ऐसे क्यों है? बोला नहीं अपवित्रता हमको नहीं पता। मैंने कहा आप जब आप हॉस्पिटल में जाते हो या ट्रेन में जाते हो, आपको इतने लोग धक्का मारते हैं, वो आपको चलता है। यहाँ शुगर टेस्ट करना है किसी पेशेंट का तो आप हाथ नहीं लगाएंगे। अभी हम डॉक्टर या हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहे होते हैं तो हमको तो पेशेंट को ठीक करना है। अभी हमको नहीं पता वो पेशेंट की क्या धारणाएं है, कहाँ से आया, कितने लोगों से मिलके आया है, क्या किया है, पर हमको उसको ठीक करना है। तो हमको एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। यस, स्वच्छता रखनी है, पवित्रता रखनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमको समय के हिसाब से मोल्ड होना आना चाहिए। मुझे बहुत बुरा लगा, ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा, मधुबन में मेरा ड्यूटी था, बाबा का टर्न है, बाबा आने वाला है। अभी एक भाई सीरियस हो गया, बीपी का पेशेंट था, लेकिन शायद गोली लिया नहीं लिया बहुत। तो इमरजेंसी में हम गए देखने को तो देखा कि ही इज डेड, वो मर चुका है। अभी उसकी बॉडी को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबने स्नान करके तैयारी की थी और बाबा के टर्न को मिलना था। मुझे बहुत थोड़ा मैं सोचने लगा क्या क्या किया जाए ऐसे समय पर। और फिर उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पे रखा गया और सभी चले गए बाबा से मिलने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि बाबा में आकर्षण है और बाबा आना बड़ी बात है, लेकिन बाबा क्या सोचता होगा? मैं ये सोच रहा था और मैं उस बॉडी के पास बैठ के देख रहा हूँ कि आत्मा कहाँ से इसने जन्म लिया होगा। अभी सीनियर सिटीजन है, यहाँ इसका शरीर छूट गया है, इनके रिश्तेदार कहाँ होंगे, और सब बाबा को मिलने के जल्दी में थे। मैं उस बॉडी को देखते हुए अपने आप को सोच रहा था एक दिन हमारी भी ये हालत होने वाली है। वो कितनी भावना से मधुबन आया होगा, उसका घर में बंधन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस आत्मा के लिए योग किया, बैठा वहाँ पर। फिर जो भी आगे होना था वो हो गया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कई बार हम एक्सट्रीम में चले जाते, नहीं जाना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमको रुकना चाहिए। दुनिया में लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और हमको भी कहते हैं आप योगी हो, आप समाज के लिए क्या करते हैं, है ना? आप अपने लिए ठीक है, आप योग करते, साधना करते, समाज के लिए आपने क्या किया? तो योगी के बजाय उपयोगी होना चाहिए। अगर मैं योगी हूँ और अपने साथ वालों के लिए उपयोगी नहीं हूँ तो उस योगीपन का क्या फायदा? कई बार लोग बहुत डिटैच हो जाते हैं, कोई बीमार है तो उसके साथ रहना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसमें नहीं जाते हैं। तो संगठन में रहते हुए हमको एक दूसरे को जरूर सहयोग देना चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो ये सब बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। आप किसी के पैर नहीं पड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिल से रिगार्ड जरूर देना है, खास करके छोटों को, बड़ों का रिगार्ड रखना ही पड़ता है। तो बाबा ने ये गुरु गोसाई की पाव पड़ने की रस्म को बंद कर दिया। ब्रह्मा कुमारी में कोई भी कितने भी सीनियर हो, हमने देखा नहीं कि बड़ी दादियों के कोई पैर छू रहा है वगैरह। हाँ, बाहर वाले आते हैं तो वो आशीर्वाद मांगते हैं, पर यहाँ पे हमको पता है कि आशीर्वाद मांगना नहीं है, कृपा मांगनी नहीं है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना है। तो ये एक बिलीफ सिस्टम हो गया। दूसरी बिलीफ सिस्टम, बाबा ने कहा, बाबा ने आज गणेश के बारे में कहा, क्योंकि सीजन आ रहा है अभी गणेश का, गुड़ियों की पूजा, फिर वो देवियों की या गणेश की हो, गणेश के बाद तुरंत देवी आती है। तो बाबा ने कहा ये सब अंधश्रद्धा है। आप सोचो कितनी भावना से गणेश की मूर्तियां, देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, तो उनको जन्म देते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं और फिर उनको डुबो देते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब क्या है? अंधश्रद्धा है, गुड़ियों की पूजा करते हैं।
आप अगर कभी मुंबई में आओ, मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाते गणेश का फेस्टिवल, लेकिन बहुत दृश्य क्या कहेंगे, दिल दहलाने वाला होता है। दूसरे दिन जब गणेश का विसर्जन होता है तो इतने प्यार से मूर्तियों को जो सजाया, दूसरे दिन देखो तो उसका सिर कटा हुआ है, हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए हैं। तो जिस गणेश से आप इतना प्यार करते हैं, उसकी ये मूर्तियों को आप कैसे देख पाते हो? और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं ये सब गुड़ियों की पूजा है। इसके साथ दूसरी अंधश्रद्धा, बाबा ने कहा कि कृष्ण के बारे में कहा है ना कि नाग पर डांस किया। अभी ये कितना नमक मिर्च लगाकर ये कहानी को सुनाया जाता है। बाबा कहता है ऐसा कुछ होता नहीं है, सतयुग में कृष्ण कभी नाग के ऊपर डांस नहीं करता, ये सब दंत कथाएं हैं। ऐसे ही कृष्ण की माता जी को कहा कि वो आठ बच्चे पैदा किए, ये भी बाबा ने कहा कि बदनामी करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। तो हम अंधश्रद्धा की लिस्ट बनाएंगे, कितनी अंधश्रद्धाएं हैं। कंस भी कृष्णपुरी में था, ये भी अंधश्रद्धा दिखाते हैं, ये ग्लानी है। फिर कृष्ण को टोकरी में डाल के जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। बाबा ने कहा वहां बाढ़ वगैरह कुछ आता ही नहीं है, प्रकृति सुखदाई होती है। तो चेक करना चाहिए, कई भीखे भाई बहने भी बहुत भावना से घर पे देवियां रखते हैं या गणेश की मूर्ति रखते हैं, अभी बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर युक्ति से चलना चाहिए ऐसे समय पर, क्योंकि इसमें बहुत टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट होता है, ऐसे बाबा कहते हैं, है ना। कई सारे बिके भाई बहने अभी लौकिक घर में बहुत सालों से गणेश की पूजा करते आ रहे हैं, तो करना पड़ता है, नहीं तो रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। तो युक्ति से चलना चाहिए ऐसे समय पर, लेकिन भगवान कहता है कि ये सब अंधश्रद्धा है। और अगर हमने बाबा के बनने के बाद ये सब बंद कर दिया तो लोग कहेंगे देखो ये पहले भक्ति करते थे, ब्रह्मा कुमारी में गए और इन्होंने भक्ति छोड़ दिया, नास्तिक बन गए। ऐसे कहते हैं। तो जो खास करके घर गृहस्थ में रहते हैं उनको युक्ति से चलना पड़ता है। तो मुझे याद आता है गुजरात में एक भाई, अभी वो ब्राह्मण लौकिक में भी पूजा करवाता था, तो हम गए एक बहुत बड़े गणपति के पंडाल में। गुजरात में भी अभी गणपति का तो फेस्टिवल सब जगह पे बढ़ता जा रहा है, विशेष मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत होता है, लेकिन ये गुजरात में था। तो मैं देखा कि वो पूरे मंत्र पढ़ रहा है पूजा के और मुस्कुरा भी रहा है। मैंने पूछा कैसा लगता है, बोला अभी क्या करे, इतने सालों से कर रहा है, करना पड़ता है, लेकिन अंदर से बाबा को याद करके करता हूँ। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में भी जाता है और पूजा भी करता है। तो युक्ति से ऐसे चलना होता है, लेकिन बाबा इनको पूरा अंधश्रद्धा कहते हैं। अभी इसके आप लिस्ट निकालो, कितनी सारी अंधश्रद्धा है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कई सारे बाबा के बच्चे अंगूठी पहनते हैं, शिव बाबा की अंगूठी या गले में लॉकेट पहनते हैं। अभी इससे आपको याद रहती है, ठहरती है, तो अच्छी बात है, लेकिन अंगूठी है तो मेरे ऊपर कोई विघ्न आ नहीं सकता, है ना। आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन से दिशा में जा रहे हो? वो दुनिया में लोग लॉकेट पहनते हैं, है ना, वो दुनिया में भी अलग अलग पत्थर की अंगूठी पहनते हैं और उनको लगता है इससे हमारा मंगल, शनि, राहु, केतु जो भी है वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, शांति रहेगी। आप शिव बाबा की अंगूठी पहनते हो, फर्क क्या हुआ? उसके नीचे में बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम वही है कि वो बचाएगी, आप समझते हो शिव बाबा बचाएगा, वो समझते हैं ये पत्थर हमको बचाएगा, है ना, नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं। तो आप अगर गहराई में जाओ ना तो बहुत डीप रूटेड ये बिलीफ सिस्टम होता है, और इसके जड़ में क्या होता है, अगर आपको मदद होती भी है तो किसके वजह से होती है? आप भले वो तावीत पहनो या नवरत्न की अंगूठी पहनो या शिव बाबा की अंगूठी पहनो, वो पहनने के बाद में आप जो संकल्प पॉजिटिव रखते हैं वो संकल्प काम कर रहा होता है, ना कि वो अंगूठी। तो
तो ये देखना चाहिए कि अगर हमारा संकल्प श्रेष्ठ है तो हमारी सृष्टि श्रेष्ठ है। अभी कुछ दिन पहले आया था ना, दृष्टि से सृष्टि, तो संकल्प की दृष्टि हमारी श्रेष्ठ है तो हमारे कर्म श्रेष्ठ है, और हमको रिजल्ट जरूर अच्छा मिलना है। हर कर्म का फल होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे कर्मों का रिटर्न है, इसको प्रारब्ध कहा है, तो वो तो होना ही है। अभी हम क्या कर्म करेंगे उस आधार पर हमारा भविष्य प्रारब्ध बनेगा। तो उसके लिए अंगूठी, तावीत या लॉकेट आप इस्तेमाल करो नहीं करो, क्या फर्क पड़ता है? पर कई लोगों को सहारे की जरूरत होती है ना? ये सब तरीके हैं कि बाबा की याद बुद्धि में रहे। लेकिन बाबा क्या कहता है कि बच्चे, इन सब की आपको जरूरत नहीं है। जब बाबा कह रहे, तिलक ही नहीं लगाना चाहिए, भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं ना, बाबा ने इन सब से हमको फ्री कर दिया। बाबा ने सब रूहानी चीजें बताई है, आध्यात्मिकता माना यथार्थ ज्ञान के अर्थ को समझना। अभी ये ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हैं, अभी कई लोग इसमें बहुत सारा अनुभव करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 1 लाख बार करो, 2 लाख बार करो। तो अभी बाबा ने कहा ऐसे बोलना भी नहीं है, ओम नमः शिवाय। आप कल्पना करो, आपके सामने बाप दादा बैठे और आप कह रहे, बाप दादा मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बाप दादा मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बाप दादा। अभी उसको अच्छा थोड़ी लगेगा आप 1 लाख बार बोल रहे। आपके दिल के अंदर भाव है, भगवान तो भावनाओं की भाषा देखता है, वो ये नहीं देखता कि आप 1 लाख बार बोलोगे कि नहीं। कई लोग गिनते रहते हैं, अभी प्यार गिन करके किया नहीं जाता है। एक मशीन आया है, वो मशीन में दबाते हैं वैसे नंबर गिरता है, 1 2 3 4, तो कितने लाख बार किया दिन भर में, कितने बार किया, तो उनको लगता है कमाई हो गई। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि बाबा बाबा भी नहीं करना चाहिए, शिव 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 करते हैं ना, वैसे नहीं करना चाहिए। अंदर से प्यार रखना है ना, भावना श्रेष्ठ होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, दिल और दिमाग इसका कनेक्शन नहीं है, इंटीग्रिटी है तो ही फायदा होगा, नहीं तो सिर्फ मुख से बोलने से कुछ नहीं होगा, मुख से बोलने से कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा है कि दान भी आसामी देकर करना, ये और एक बिलीफ सिस्टम है। बाबा के भी कई बच्चे रहम दिल इतने हैं कि किसको पैसे बांट देते हैं, किसी को क्या दे देते हैं। आज का जमाना है, मैंने ऐसे कितने देखा, हमारे इस सेंटर पर पैसे दिया और रिश्ते खराब हो गए। वो लेते समय तो बहुत नम्रता से आपको दे देंगे, और फिर मांगने जाओ तो कहते मैं क्या भाग कहीं रहा मैं क्या खा जाऊंगा आपका पैसा, दे दूंगा फिर मेरे को फोन नहीं करना, इतना डिससर्विस। तो पात्र देखकर दान करना है, कई लोग इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो दान भी किसी को करना है, फिर वो बीके हो या बाहर का हो, बहुत सोच समझ के श्रीमत के सार अनुभवी व्यक्ति को पूछ के करना चाहिए, नहीं तो आपस में अकाउंट क्रिएट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाबा ने आज पूरा श्रद्धा और अंधश्रद्धा के ऊपर बताया। तो आप और सोच सकते हैं कौन सी अंधश्रद्धा है। लास्ट 2 मिनट हम देखेंगे आज बाबा ने सिद्धि स्वरूप बनने के लिए क्या करना है बताया। तो बाबा ने कहा कि सिद्धि स्वरूप सहज और निरंतर याद करना है तो सदा बाप के साथ का अनुभव करना चाहिए। जब बाबा साथ है तो याद रहेगी, साथ में केवल बैठा नहीं है, बाबा ने कहा साथ होते मदद भी कर रहा है, तो साथ वाला कभी भूल नहीं सकता, ऐसे बाबा ने कहा। तो सहज और निरंतर आपको योगी बनना है तो बाबा को साथ में रखो, और ऐसे जो साथ का अनुभव करते हैं बाबा ने कहा, वो बच्चे सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है जो आत्मा हर क्षण भगवान के साथ का ही नहीं, लेकिन साथ के साथ उसके मदद का भी अनुभव करते हैं। बहुत बड़ी बात है, उसके कोई काम रुकते नहीं है, पहले से ही तैयारी हो चुकी रहती है। बहुत सारे इसमें अनुभव आपको सुना सकते हैं।
एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 180 देशों के आत्माएं आए थे। अभी ये प्रोजेक्ट ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस, बाबा ने इसका डायरेक्टर बनाया था और पहली बार इतनी बड़ी सेवा होने वाली थी। तो हमको समझ में आना था कि स्टॉल कैसे बनाए, क्योंकि सभी देशों से लोग आए थे प्रतिनिधि और वो सब तैयारी में आए थे। तो हमको समझ ही नहीं रहा था हम क्या करें। तो एक बहन जी थी साथ में, हमने बैठ के सोचा अभी योग करते हैं। तो योग करते समय वहाँ के जो डायरेक्टर थे उस पूरे कैंपस के, वो राउंड ले रहे थे क्योंकि इतने देशों से मेहमान आए थे। तो उन्होंने हमको देखा और पूछा क्या हुआ। तो हमने कहा हम ब्रह्मा कुमारी से हैं, हमको ये स्टॉल कैसे बनाना समझ नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बाकी वाले कंट्री वालों ने बहुत सारा सामान लाया, हमको यहाँ टीवी लगेगा, पार्टीशन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो उन्होंने कहा ओम शांति, आप चिंता मत करो, मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और हम तो हैरान हो गए, हमको पहले एक ही स्टॉल था, उसने दो स्टॉल हमको दे दिए। एक में हमने बाबा का कमरा बनाया, दूसरे में जो चाहिए था वैसे हमने पोस्टर बना लिए। तो हमको ही नहीं पता था कि पहले से ही बाबा ने इंतजाम किया हुआ है। ये है बाबा हमारा ध्यान रखता है। और फिर बाद में कहना क्या था कि बाबा का मैसेज 180 कंट्रीज में गया उस एक कॉन्फ्रेंस की वजह से। तो ऐसे बाबा के हर बच्चे विशेष है और हम हर आत्मा में विशेषता देखेंगे तो हम भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज 4 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान दो आंखों के बीच में, मैं मस्तक मणि हूं, इस शरीर के मालिक हूं। ज्ञान के सागर श्री बाबा की संतान। एक मिनट के लिए सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने स्वयं को अनुभव करेंगे। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा से दृष्टि स्वीकार करेंगे और फिर सूक्ष्म शरीर को वहां छोड़ते हुए बिंदीवन परम धाम में जाएंगे। शिव बाबा के साथ अनुभव करेंगे कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, मैं आत्मा उसके साथ हूँ। एक मिनट के लिए अनुभव करेंगे कि पतित पावन शिव बाबा से पवित्रता का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं आत्मा बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन रहे हूँ। बाबा से शक्ति भरकर वापस सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने प्रवेश करेंगे। अपने सूक्ष्म शरीर में देखेंगे, मैं फरिश्ता चमकीली ड्रेस में हूँ, मेरा प्रकाश कई गुना बढ़ चुका है, बाबा रूप बसंत है, मैं आत्मा भी मास्टर रूप बसंत हूँ। बाबा मेरे ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और मैं इस वर्षा से भरपूर हो रही हूँ, अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर बन रही हूँ। बाबा से दृष्टि लेकर वापस इस धरती पर आते हुए अपना प्रकाश फैलाते हुए सभी संबंध संपर्क सृष्टि की सर्व आत्माओं को मैं ये प्रकाश फैला रही हूँ। हर वक्त बाबा के साथ का मैं अनुभव कर रही हूँ। सुबह से लेकर रात तक हर कर्म में बाप दादा केवल साथ ही नहीं है लेकिन मददगार भी है। हर आत्मा में मैं विशेषता देख रही हूँ, इसलिए मैं भी विशेष
आत्मा बन रही हूँ। एक एक ज्ञान रत्न बुद्धि में धारण हो रहा है, औरों को भी ज्ञान रत्न धारण कराने के निमित्त बन रही हूँ। पात्र देखकर मैं दान कर रही हूँ। जो शिव बाबा के भक्त है, देवताओं के भक्त है, उन्हीं को मैं ईश्वरीय ज्ञान दे रही हूँ। और भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धाओं में अपना टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं दानी और वरदानी आत्मा हूँ, सिद्धि स्वरूप हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं निश्चिंत हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ मददगार हूँ। तुम विशेष आत्मा हो, क्योंकि तुम हर एक की विशेषता देखते हो। तुम्हें एक एक ज्ञान रत्न की वैल्यू है। तुम श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़कर अन्य आत्माओं को भी इन ज्ञान रत्नों को धारण कराने वाले महान आत्मा हो। तुम आसामी देखकर दान करते हो। तुम बाप समान रूप पसंद हो। मेरी सर्वशक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मेरे पाँव पड़ने की दरकार नहीं, क्योंकि तुम बालक सो मालिक आत्मा हो। जाओ, विश्व के दुख के बेड़े को डूबने से बचाओ। विश्व की आत्माओं का दुख दूर करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाप दादा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा हर्षित हो रही हूँ। बाबा को धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।